आज हम उबले आलू की खस्ता मठरी बनाएंगे जो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और टेस्टफुल बनेगी। बिल्कुल समोसे का टेस्ट आएगा और कचौड़ी का टेस्ट आएगा और इसे आप काफी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी रहती है। और इसके आप शाम की चाय के साथ या कभी कोई भी फेस्टिवल हो उस पर आप इसको बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि एकदम क्विक रेसिपी है और बॉयल्ड आलू के साथ बन के तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसके अंदर हम 1.5 कप के करीब हम इसमें मैदा ऐड कर दिया। आप चाहो तो आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन बहुत पाचक रहती है इसलिए इसको डालना बहुत ज़रूरी है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और अब हम इसका जो डो लगाना है, हमें पानी से डो नहीं लगाना, इसका हमने जो बॉयल आलू लिए हैं उसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और बस इन्हीं आलू के हेल्प से ही हम इसका डो तैयार करेंगे। तो देखिए, आलू हमने पहले से ही ग्रेट कर लिया है और आलू उतना ही डालना है हमें जितने में ये डो तैयार हो जाएगा। बिना पानी के आज हम डो बना के तैयार करेंगे। और साथ ही अब इसके अंदर हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल आप मून के लिए डालना है, आप चाहो तो मैदे में पहले ऑयल मिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरीके से भी इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल हमने इसके अंदर, जैसे हमने 1.5 कप आटा लिया है तो 1/4 कप के करीब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। इसी मतलब आटे की मुट्ठियाँ बननी चाहिए उतना ही हमें ऑयल ऐड करना, जैसे मठरी वगैरह में ऐड करते हैं ना सेम वैसे ही। जब भी हम मठरी वगैरह बनाते हैं वैसे तो हम पानी डाल के ही आटा गूंथते हैं, लेकिन आज हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसमें। जितना हमें आलू डलेगा उसमें उतना ही आलू डालेंगे और उसी की हेल्प से हम इसका डो तैयार करेंगे। तो देखिए, हम इसमें आलू डालते हुए हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है और इसका डो तैयार कर लेंगे। और अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है। तो देखिए, अभी अच्छे से हमने आलू को मिक्स कर लिया है और इसकी मुट्ठियाँ बन रही हैं और इसको हम अच्छे से दबा दबा के इसका डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल हमने टाइट डो लगाना है, जैसे मठरी बनाते हैं ना सेम वैसे ही हमें इसका डो तैयार कर लेना है मठरी के लिए। तो देखिए, ये आटे का डो बन के तैयार हो गया है और अब हम इसको साइड कर देते हैं, ढक के रख देते हैं। और अब हम साटा तैयार कर लेते हैं। तो साटा बनाने के लिए हमने देखिए 2 टीस्पून हमने घी लिया है और इसके अंदर हम 2 चम्मच के करीब ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो इसे साटा कहते हैं, इसे लेयर बहुत अच्छी आती है क्योंकि अभी जो मठरी और समोसे हम बनाएंगे ना उसको लेयर देने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये एक पेस्ट की जैसे बन गया ना, बिल्कुल थिक, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो देखिए, ये भी बन गया, इसको भी हम साइड कर लेते हैं। तो अब देखिए, आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया और आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो देखिए, इसमें से एक आटा लेंगे, बहुत बड़ी सी साइज़ की एक लोई बना लेते हैं इसको और इसको अच्छे से बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ड्राई आटा लगाते हुए इसको बेल लेंगे क्योंकि आटा थोड़ा सॉफ्ट है, आलू डला है ना, इसको बहुत देर तक नहीं रखना, काफ़ी देर तक रखेंगे तो एकदम ढीला होने लग जाता है। तो ड्राई आटा लगाते हुए इसका अच्छे से इसको बड़े साइज़ के, अच्छे से मठरी वगैरह बनाते हैं ना, मतलब रोटी जितना मोटा हमें इसे बेलना, मठरी जैसा बेलना नहीं है अभी इसको हमें, जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना ही पतला और उतना ही मोटा हमें इसको बेलना है। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, मतलब मीडियम ही रहना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। और अब देखिए, जो हमने साटा बनाया था ना वही साटे का पेस्ट हम इसको इसमें लगा देंगे, पूरे में स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। देखिए, इस तरीके से आप हाथ से या ब्रश की हेल्प से आप इसको इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से हम ये साटा लगा के हमने इसमें कर लिया है ना, और अब हम इसको साइड से उठाते हुए इसको रोल करेंगे, बिल्कुल रोल कर लेंगे। और इस तरीके से करने से क्या होगा, इसमें लेयर बहुत अच्छी आएगी। तो जब भी फ्राई होगा ना तो लेयरें एक एक करके खुलती हैं इसकी। तो देखिए, इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया और देखिए इसको अच्छे से रोल कर लेंगे, टाइट, बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए ये। और आटा भी हम जितना टाइट लगाएंगे ना उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए, अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमें जितने साइज़ के हमें समोसे बनाने हैं उतने ही साइज़ में हम छोटे छोटे इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने 1/2 इंच के करीब हमने इसको कट कर लिया है। तो देखिए, एक लोई को हम उठा लेंगे इसमें से और इसको आटे में डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। छोटी सी पूड़ी जितना ही बेलना है और बहुत पतला भी नहीं करना, बस थोड़ा सा ही बेलना है। तो अब देखिए, इसमें एक बार हमने साटा लगाया था, फिर से हम यही साटा लगाएंगे और इसको फिर से इसको रोल करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से इसको रोल करना, जैसे समोसा बनता है ना, समोसे की शेप आनी चाहिए वैसे ही हम इसको रोल करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने कट लगा लिया और इसको राउंड राउंड इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो इससे क्या है, समोसे की शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको समोसे की शेप में ये बना लेना है। देखिए, फ्लावर जैसा, समोसे जैसा दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ऐसे बनाना है।
तो इस तरीके से मैं सारे बना के तैयार कर लेंगे। और देखिए एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। अगर आपको ये तरीका थोड़ा टफ लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमने बेल लिया, इसमें हम फिर से हम साटा लगाएंगे और अब हम इसको जैसे हम घर में नॉर्मली सिंपल पराठा बनाते हैं ना, सेम वैसे ही इसको बेलना है। और देखिए हो गया ना फोल्ड, तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ऐसे भी जब हम बनाते हैं ना तो इसकी भी लेयर बहुत अच्छी खिलती है, एकदम फूल जाता है समोसे की जैसे ये भी। तो देखिए एक बार और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो देखिए अब बस हमने सिंपली क्या लिया है, एक लोई लिया, उसको हाथ से अच्छे से प्रेस कर दिया। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये सबसे सिंपल है, बहुत ईजी है बनाना। तो देखिए इस तरीके से आप इसको एक बार और इसको अच्छे से बेलिए और इसमें हम फिर से देखिए इसको इस तरीके से फैला देंगे। बस इतना ही हमने बेला है। तो देखिए तीन से चार तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप पराठे की शेप में बना सकते हैं, समोसे की शेप में बना सकते हैं, मठरी की शेप में बना सकते हैं और पापड़ी की शेप में, जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे आप शेप दे दीजिए। देखिए मैंने सारे तरीके से चार पाँच तरीके से हमने सारी बना के तैयार कर ली है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए देखिए हमने कढ़ाई में पहले से ही हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर सारे समोसे जो हमने पापड़ी समोसे मठरियाँ बनाई हैं सारे हम इसके अंदर डाल देंगे, जितना इस ऑयल के अंदर आएंगे उतनी ही डालनी है। आपको लग रहा है ना ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम काफ़ी सारी इसमें डाल देंगे ना तो जैसे ही सारी चीज़ें डलती हैं तो ऑयल का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो देखिए इस समय हमने गैस की फ्लेम को हम लो करा हुआ है और उसको हल्की गैस पर अच्छे से सिकने देंगे। जैसे जैसे ये सिकने लग जाती हैं देखिए ऊपर आ रही है ना, ऊपर ही तैरने लग जाती हैं, तो बस अपने आप ही हल्के होते हुए ऊपर तैरने लग जाती हैं और इनकी परतें भी खिलने लग जाती हैं। देखिए इनकी परतें खिल रही हैं धीमे धीमे करके, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इनकी परतें खिल रही हैं। देखिए फूल गई है ना, देखो ऐसे मैंने कहा ना समोसे की जैसे ऊपर बड़ी बड़ी फूल जाती है और पपड़ियाँ अपने आप फूलने लग जाती है, खिलने लग जाती है, सेम वैसे ही देखिए अच्छे से खिलने लगी है, उनकी परतें भी खिलने लगी है अच्छे से। तो 10 से 15 मिनट लगते हैं लो फ्लेम पर इनको सेकने में, बहुत ही खस्ता बनेंगी और क्रिस्पी बनेंगी। देखिए अब ये सेक चुकी है तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए अभी तो हमने ये वाली सेकी है जो हमने ट्रायंगल शेप में बनाई थी, अभी हम दूसरा एक और बैच डालेंगे। तो सभी को हमें इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। स्टार्टिंग में हम तो फ्लेम को थोड़ा मीडियम ही रखेंगे और लास्ट में जब निकालते हैं ना तो ऑयल तो हम थोड़े से हाई फ्लेम पे कर लेंगे, तभी हम इनको निकालेंगे, जिससे क्या है जो भी ऑयल है ये सोक कर लेती है ना, वो सारा इसमें से निकल जाता है। तो देखिए अब ये सारी मठरियाँ सेक चुकी हैं, इनको हम साइड कर लेते हैं और जो बाकी की बची है उनको भी हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इनको भी हम सेकने देते हैं। तो देखिए मैंने सारी मठरियाँ और समोसे बना के तैयार कर लिए हैं, आलू वाली मठरी समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं आपको देखो तोड़ के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया और कितनी क्रिस्पी है। तो एक बार आप इस तरीके से आप बनाओगे ना आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।